हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी फिर से आप सभी का एक बार के आर एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने जो एक वीडियो डाला था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड, जो कि आपको पता ही होगा एनटीपीसी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आने वाला है डेट, तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला था। तो उसमें जो है काफ़ी बच्चों ने बहुत अलग अलग टाइप के उनकी अपनी परेशानियाँ बताई है। सर, हमारे फॉर्म में जो है हमसे ये गलती हो गई थी, या हमारे पास इस डॉक्यूमेंट्स की कमी है, या हमारे से ये गलती हो गई है। तो अलग अलग बच्चों ने जो है अलग अलग टाइप की जो है अपनी समस्याएं बताई है। तो वहाँ पे जो है इंडिविजुअली सबको जो है रिप्लाई देना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ड्यूटी वगैरह का इश्यू होता है। तो मैं जो है ये वीडियो इसी पर्पज से बना रहा हूँ। इसमें जो मैं सभी का जो है क्वेश्चन जो है उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। सबकी जो अलग अलग टाइप की जो समस्याएं हैं उनका क्या समाधान हो सकता है वो इसमें बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे जो ज़्यादा बच्चों ने जो पूछा है वो पूछा है रॉन्ग एंट्री या रॉन्ग टिक इन एप्लीकेशन या स्पेलिंग मिस्टेक। जैसे कि मान लो किसी का नाम है और नाम में उन्होंने स्पेस देना भूल गए, या कोई डबल डिजिट डाल दिया किसी नाम में, फादर्स नेम की जगह मदर्स नेम डाल दिया, मदर्स नेम की जगह फादर्स नेम डाल दिया, या मदर्स नेम गलत डाल दिया, फादर्स नेम गलत डाल दिया, एड्रेस गलत डाल दिया हो, या परमानेंट एड्रेस की जगह आपने जो है टेम्परेरी एड्रेस डाल दिया हो, अब आपको परमानेंट एड्रेस की जरूरत पड़ रही है, या आपने आधार कार्ड गलत डाल दिया हो, मार्कशीट में जो है मार्क्स आपके जो गलत चढ़ गए हो, पासिंग ईयर आपका गलत चढ़ गया हो, तो इस टाइप की जो है किसी भी टाइप की जो समस्या है तो उसके एक ही समाधान है, आप एफिडेविट बनवा लीजिए। इसमें आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल होने चाहिए, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम ओरिजिनल है तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इनमें से अगर किसी भी टाइप की फॉर्म भरते समय आपसे गलती हो जाती है तो ये क्लरिकल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या साइबर कैफे वाले की भी मिस्टेक हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसका जो एक ही जो इलाज है वो है एफिडेविट। तो आप इन सब के लिए जो है एफिडेविट बनवा सकते हैं। इसके बाद में अपन दूसरी जो बात करते हैं, गलती से ईबीसी टिक हो गया। अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर हम ईबीसी में आते ही नहीं है, लेकिन हमसे गलती से ईबीसी टिक हो गया। तो देखो, इसकी दो कंडीशन है, या तो आपका ईबीसी टिक हो गया तो आपको ईबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। क्योंकि ईबीसी का सर्टिफिकेट अगर आपसे टिक हो गए तो ईबीसी सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही पड़ेगा। और नहीं तो अगर कई बच्चों ने ऐसा भी हुआ है कि उनसे 500 रुपये जो है फीस भी ले ली गई और ईबीसी पे टिक हो गई, तो वहाँ पे जो है एफिडेविट आपका चल सकता है। लेकिन अगर ईबीसी आपने ओनली टिक किया है तो आपका जो है ईबीसी का सर्टिफिकेट आपको मस्ट बनवाना ही पड़ेगा। उसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन है कि सर हम जो है जनरल से आते हैं और तो हमें क्या मूल्यवास बनाना पड़ेगा? तो मूल्यवास यहाँ पे किसी का नहीं मांगा गया है, मूल्यवास किसी को भी नहीं देना, क्योंकि आपके पास में कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ये साबित करेंगे कि आप इंडियन हो। तो ये फॉर्म भरने से पहले आपके पास आधार कार्ड है, वो सारी चीज़ें हैं जो आप ये क्लियर करती है कि आप इंडियन। तो इसमें मूल्यवास का जो है कहीं मेंशन नहीं किया गया, तो मूल्यवास आपको कहीं भी नहीं मांगा जाएगा। देन इसके बाद में अपन बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का, SC ST का और जनरल का, तो सबसे पहले इनमें जो जनरल क्वेश्चन है वो तो ये है कि सर हम जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए वो हम रेलवे के परफॉर्मेंस से बनाए या सेंट्रल गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस से बनवाए। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा, अगर आप अभी तक नहीं बनवाए हो तो कोशिश करो आप रेलवे के ही फॉर्मेट में बनवाने का। अगर रेलवे के फॉर्मेट में नहीं बनवा पा रहे हो और आप सेंटर के फॉर्मेट में बनवा जा रहे हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका चलेगा। बस आप इंग्लिश वर्जन वाला जो है इतना ध्यान रखना, इंग्लिश वर्जन वाला जो है वो बनवा लेना। इसमें अगर सेंटर का बनवाओ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंग्लिश वाला फॉर्मेट आप उसमें बनवा लेना। और इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि सर ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर का है वो सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए? तो वो जो है दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उससे 1 साल पहले तक का जो टाइम है ना, उस टाइम का किसी भी टाइम का होगा चलेगा। जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मान लो सपोज डेट जैसे 15 आज ही के डेट का मान लेते हैं, तो इससे पिछली 1 साल के बीच में जो है आपका वो ओबीसी का NCL का जो बना होगा नॉन क्रीमी लेयर का वो चल जाएगा। इसके बाद में देखते हैं अपन एड्रेस चेंज हो गया। अब कई बच्चे का क्वेश्चन है कि सर हमारा जो है एड्रेस चेंज हो गया, पहले हम इस पते पर रहते थे और हम अब इस पते पर रहने लग गए, तो सर हमारा जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो कैसे होगा? तो दोस्तों, आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में आप जो वहाँ पे जो डीलिंग क्लर्क वगैरह होंगे उनसे आप मिलकर कंसल्ट कर सकते हो। वो आपको जरूर कोई ना कोई परफॉर्मा बताएंगे, भाई आप बता देना उनको हमारे जो एड्रेस था वो हमने ऐसे ऐसे करके चेंज हो गया, पहले हमारा ये एड्रेस था अब हमारा ये हो गया। अगर वहाँ से आपकी समस्या का समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो DRM ऑफिस में जहाँ आप जाओगे वहाँ पे आपसे एक परफॉर्मा बनवाया जाएगा, उस पर आपका सब कुछ डाटा आपसे भरवाया जाएगा,
आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन कहाँ से की है और आप पिछले 5 साल से कहाँ रह रहे हो, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका टेम्परेरी एड्रेस क्या है, तो आप वहाँ पे जो परफॉर्मा भर के दोगे उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है अगर किसी का एड्रेस चेंज हो गया हो तो। दूसरे जो है अगला क्वेश्चन जो है, एप्लीकेशन फॉर्म खो गया, PDF खो गई, CBT 1 का जो है एडमिट कार्ड खो गया, CBT 2 का एडमिट कार्ड खो गया और एप्टीट्यूड टेस्ट का जो लगा था सिर्फ वो खो गया। तो दोस्तों इसमें भी आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे जो है आपके वहाँ पे जेन्यून पहचान करने के लिए मांगे जाते हैं, लेकिन अगर खो जाते हैं तो इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ पे एफिडेविट लगा दीजिए। वैसे एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको कहीं चाहिएगा नहीं, लेकिन CBT 1 2 जो है इनके एडमिट कार्ड चाहिएंगे, तो उसके लिए आप जो है एफिडेविट लगा देना। अब बात आती है NOC की, तो कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर हम जो है पहले जॉब में नहीं थे और अब जॉब में लग गए तो NOC का क्या होगा, या हम पहले जॉब में थे तो NOC हम तब, मतलब दोनों कंडीशन हो गई, एक तो आपने फॉर्म फिल किया तब आप जॉब में थे और एक आप बाद में जॉब में लगे, तो दोनों केस जो है किस टाइप के होंगे। तो दोस्तों पहले जो, अगर आप पहले से ही जॉब में हो तो उसके लिए आपको NOC चाहिए, मस्ट है, और अगर आप फॉर्म भरने के बाद में अगर आपने जॉब में लगे हो तो भी आपको जो है फॉर्म में आपने मेंशन नहीं किया लेकिन आप जो है NOC अपनी लेके जाओगे, क्योंकि जो है NOC मस्ट होगी। और दोस्तों NOC जो जारी करेगा आपका डिपार्टमेंट, तो उसके लिए आपने एग्जाम जो दिए थे उस डेट को आपकी लीव होनी चाहिए, ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको चीज़ को ध्यान रखना। अगर आपके यहाँ पे प्रेजेंट लगी और उस दिन आपका एग्जाम था तो वो NOC देने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको NOC निकलवाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें जो भी है आपकी उस दिन की लीव होनी चाहिए जिस दिन आपका एग्जाम था। तो NOC आपकी जो है दोनों केस केस में मस्ट रहेगी, पहले केस में आपने यस टिक किया था और चाहिए भी NOC, दूसरे केस में नो थी आपकी लेकिन फिर भी आपको NOC लेके जानी है। और EWS का जो सर्टिफिकेट है वो भी दोस्तों जो है 1 साल के अंदर अंदर का होना, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। अच्छा, और मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने एप्टीट्यूड 3rd के लिए बनवाया था वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं चाहिए। कई जो है कई लोग बता रहे हैं कि आपको मेडिकल के लिए आपको वो भी बनवाना पड़ेगा, नहीं दोस्तों वो अपन ने जो एप्टीट्यूड टेस्ट में अपना हो चुका था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो है वो जो गार्ड और TA जो होते हैं उनका, जिनका मेडिकल नहीं हुआ होता है उनके लिए ये जो है फॉर्म मांगा जाता है, अपने लिए नहीं मांगा जाएगा, स्टेशन मास्टर के लिए। इसके बाद अगर बात करें तो बोलते हैं फोटो सेम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, दोस्तों अगर आपके पास में फोटो सेम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फोटोज़ के बेस पर आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, इस चीज़ की आप निश्चिंत रहिए। फोटोज आपका लगभग उसी टाइप का बनवा लीजिए आप, और बैकग्राउंड वगैरह वही रख लीजिए, या फिर आप एडमिट कार्ड पे जो फोटो है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो इसमें आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगला जो डाउट है वो है सर्टिफिकेट पर जो है इश्यू डेट अलग अलग है। दोस्तों इश्यू डेट कुछ भी हो सकती है, इश्यू डेट वो होती है जब आपको डॉक्यूमेंट्स जो है आपके कॉलेज या स्कूल से जब दिए जाते हैं वो होती है इश्यू डेट। इश्यू डेट से कोई मतलब नहीं, इश्यू डेट अलग हो सकती है। एग्जाम जो डेट होती है जिस दिन आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो डेट जो है आपकी दोनों सेम होनी चाहिए, आपके जो ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है उसके ऊपर और आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या जो भी आपकी डिग्री है उसके ऊपर, दोनों के ऊपर जो है आपकी डिक्लेयर जो है एग्जाम की डेट वो होनी चाहिए। अब दोस्तों कई लोग ये अगला क्वेश्चन जो है बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर जो है हमारे को जो है डिग्री मिल नहीं रही है तो क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा क्या। दोस्तों अगर जिसकी डिग्री नहीं आई है, वैसे आप डिग्री के लिए अप्लाई कर दो, अगर डिग्री आपकी आई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रोविजन सर्टिफिकेट से काम हो जाएगा, कोई इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रोविजन सर्टिफिकेट एज ए डिग्री की तरह ही काम करेगा। इसके बाद में जो है बच्चों का अगला क्वेश्चन जो है चरित्र प्रमाण पत्र का, तो देखो कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट होता है, वैसे तो रेलवे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है चरित्र आपका जो प्रमाण पत्र आपका वेरीफाई जो करवाएगी रेलवे खुद करवाएगी आपके परमानेंट एड्रेस पे, लेकिन फिर भी जो है आप ये अपना बनवा के रख लो, DV के अंदर तो ये नहीं मांगा गया है, लेकिन अपने जो DRM ऑफिस में जब आपके द्वारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे तो वहाँ हो सकता है मांग ले आपसे, बाकी DV में ऐसा हमसे नहीं मांगा गया था चरित्र प्रमाण पत्र। और चरित्र प्रमाण पत्र जो है दोस्तों आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर दो और ऑफलाइन भी अप्लाई कर दो, तो ऑफलाइन तो आपका तुरंत बन जाएगा और ऑनलाइन जब भी बन के आएगा तो वो आ जाएगा, तो इसमें भी इतनी कोई मेरे हिसाब से समस्या वाली बात है नहीं। और बाकी जो है इसके अलावा जो है एक अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, कई बच्चे जो MP और हरियाणा के हैं बच्चे वो पूछ रहे हैं सर हमें जो है 12th की मार्कशीट ही मिलती है, उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, या ग्रेजुएशन की मार्कशीट ही मिलती है डिग्री और सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो जब दोस्तों आपको यूनिवर्सिटी से मिलता ही नहीं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब आपको यूनिवर्सिटी किसी को दे ही नहीं रही है तो आपके इसमें कोई गलती नहीं, या हो सकता है आपकी जो मार्कशीट हो, आजकल ऐसा भी हो रहा है
जो मार्कशीट है उसी के ऊपर जो है आपकी सर्टिफिकेट हो या प्रोविजनल डिग्री जो है वो सर्टिफिकेट के साथ में लिखा होगा सर्टिफिकेट विद मार्कशीट। तो इसका मतलब ये है आपका जो सर्टिफिकेट है मार्कशीट के साथ ही अटैच हो गया, मतलब आपको बड़ी मार्कशीट आने लग गई तो उसमें ही आपका सर्टिफिकेट होता है, तो हो सकता है उसमें हो, तो इससे भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और डॉक्यूमेंट बेस पे जो है जैसे ग्रेजुएशन की डिग्रियाँ हो गई या पासिंग ईयर हो गए, इससे जो है आपको अगर इनमें किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक है, जैसे आपने 2016 का ग्रेजुएशन किया, आपने 2017 भर दिया फॉर्म में, तो अगर उससे भी कोई दिक्कत नहीं है आपका एफिडेविट लग जाएगा। क्लरिकल स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इन सब के लिए एफिडेविट लग जाएगा, बशर्ते आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल होने चाहिए। और ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह में भी अगर आपके नाम वगैरह में कोई दिक्कत हो जाती है स्पेस वगैरह को लेके, तो भी वहाँ भी सर्टिफिकेट लग जाएगा। तो दोस्तों आई होप इसमें मैंने जो सभी कुछ कवर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कुछ आपके डाउट है, डाउट अगर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, अगर और कोई अलग टाइप के डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और पिछला जो वीडियो बना रखा है मैंने केआर एजुकेशन पे आपको मिल जाएगा, तो उस पर जरूर विजिट करें, और दो तीन वीडियो मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ऊपर बना रखे हैं, तो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।